नमस्कार, मैं परविंदर कौर, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। जानेंगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आज पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के पास, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो बताएंगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या आज भी डेरा सच्चा सौदा में यूं ही भीड़ उमड़ती है? क्या गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए लोग आते हैं? आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम? रचना इंसान जी। रचना जी, कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हैं आप? बचपन जी। पहले भी और आज भी, ऐसा क्या मिलता है डेरा सच्चा सौदा से, क्या सीख लेकर जाते हो डेरा सच्चा सौदा? हमें अच्छे काम करने का यहाँ एडवाइस किया जाता है और सच के राह पे चलना सिखाया जाता है। हमारे गुरुजी ने हमें आज तक यही सिखाया है कि सेवा करो, जितना हो सके परमार्थी सेवा करो, परमार्थ करो और दीन दुखियों की मदद करो। जैसे पिता ने मुहिम चलाई हुई है, वेश्याओं की शादी करवाना, भगवत योद्धा बनाए हुए हैं, उस टाइप से हम भी चाहते हैं कि हम भी इस रास्ते पड़े रहें हमेशा, ज़िंदगी भर आगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी पिति से जुड़े। हम इसीलिए उनको लेके आते हैं कि बेटा सीखो, हमने जो सीखा है हमारे पेरेंट्स को सिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पिति ने हमें वो सिखाया है कि हम जहाँ भी चल जाएँ हर एक फील्ड में हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हम किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या किसी एडवोकेट से बात कर रहे हैं या किसी मीन्स कहने का बड़े बड़े जिससे मर्जी मिल लें जाके, मैं कोई नहीं कह सकता कि ये कोई किसे कॉन्फिडेंस नहीं है या कुछ भी ले लो। हमारे पिति हमेशा गाइड थे, गाइड हैं और हमेशा गाइड रहेंगे, यही कह सकते हैं जी। ये सबसे पहले तो यही कोरोना का ही ले लो आप, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो ये पता नहीं बीमारी है कि बना रखी है, ये हम नहीं जानते। पिति होते तो बहुत कुछ सेवा होती, जैसे सत्संगीनेस वेलफेयर फोर्स पिति ने तैयार किया हुआ है, या मतलब कहने का जहाँ पिति जाके स्टार्ट करवाते थे ना, वो चीज़ बहुत हाई लेवल तक पहुँचती थी। अब करते हैं सेवादार सेवा, जितना हो सके प्रॉपर करते हैं। आज की डेट में भी अगर पिति हैं तो भी हो रही थी सेवा, नहीं है यहाँ पे, अब अंदर से तो पता ही है पिति यही हैं, कहने को लोग जो मर्जी करते रहे। हमारे पापा जी यहाँ हैं, यहाँ थे, यहाँ ही रहेंगे, उन्होंने कहाँ जाना है। पर पहले खुले दर्शन थे, जो मर्जी आओ दर्शन कर जाओ। अब पिति के वचन है कि सिमरन करो बेटा, सेवा सिमरन करो, अंदर से दर्शन देंगे। मेन यही बात है, और कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ये सफाई अभियान वगैरह होते, देश साफ सुथरा रहता, वो सीख देते थे, जाके सेवा स्टार्ट करवाते थे। तो लोग जहाँ से जिन्होंने नहीं भी आना ना, वो पिति जा रहे हैं, हम भी जाएं, यानी कितनी खुशियाँ देंगे। वो वचनों से ही सारा मतलब चलता था सिस्टम। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बोला कि उन्होंने बड़े भलाई के कार्य आप लोगों को सिखाए हैं, आज भी सिखा रहे हैं, आगे भी सिखाते रहेंगे, आपका कहना आप करते रहोगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हुआ फिर, वो एलिगेशन जो गुरु जी पे लगाई, क्या वो क्यों लगाई गई, क्या वजह रही होगी? वजह यही रही है कि उनको ये लगा होगा कि शायद पिति इलेक्शन में ना आ जाए। मेन प्रॉब्लम सरकार की यही रही है कि इतनी संगत जुड़ रही है डेरे से, इतने इनके काम बंद हो रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं लोग, भलाई के रास्ते पे जा रहे हैं। और मेन तो ये है कि गुंडागर्दी वगैरह, इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके काम धंधे बंद हो रहे हैं पिति की वजह से। तो ये ऑटोमेटिक ये हिसाब किताब सोच रहे थे कि पिति जाए यहाँ से और ये सब फिर से स्टार्ट हो जाए। आज देखा जाए तो लूट मारी, बेरोजगारी, कितना कुछ हो चुका है पिति नहीं है तो। पहले कुछ भी नहीं था, पिति यहाँ थे तो यहाँ पे इतनी सेवा चलती थी, लोग सेवा पे आते थे, यहाँ पे सत्संग सुनते थे, आओ जाओ थी। अब व्हीकल्स वगैरह जो भी आते थे अब कम आते हैं, पहले कितने हाई फाई लेवल तक पहुँचता था, इतनी भीड़ जमा रहती थी। मेन तो जैसे ऑटो वगैरह वाले, कोई कोई लोग ही बेरोजगार हो चुके हैं, तनख्वाह पे यहाँ लगे हुए थे वो बेरोजगार हो चुके हैं बेचारे। आज की डेट में देखा जाए तो उनके खाने पीने के भी लाले पड़े, ये लगा लो आप जी। और मैडम, आप एक महिला हैं तो मैं जानना चाहूँगी डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं को लेकर क्या माहौल है? महिलाओं के लेकर कहना तो नहीं चाहते, ये इन्होंने अफवाहें उड़ाई बहुत हैं पिति को, दिल बहुत रोता है अंदर से कि पिति ये सब सच नहीं है, क्या करें, मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, जो करना है आपने करना है, जब आपने जाना है आपने आ ही जाना, हमें तो इतना कॉन्फिडेंस है हमारे पापा जी पे। हम वहाँ पे पिति के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग से हमारा वहीं स्टडी लेवल रहा है। पिति के वचन थे जो यहाँ से 10 कर गया वो दूसरे स्कूलों के 12 कर गया, जो यहाँ से प्लस टू कर गया वो समझो सारे और स्कूलों की कॉलेज की पढ़ाई कर चुका है। और देखा जाए तो आज हम
मानते हैं ये बात प्रीति की सच है कि हमें कोई नहीं कह सकता कि ये किसी फील्ड में पीछे हैं ये बच्चे प्रीति के। तो प्रीति ने हमें गाइड किया, हमने वहाँ स्टडी की, इसीलिए ये सब हुआ ना। प्रीति को लेके बहुत अफवाहें हैं, बहुत गलत बातें हैं, पर वो सच नहीं है, बिल्कुल ही बेबुनियाद। मैडम मैं लास्ट, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज समाज को बाबा जी की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार को कुछ अपील करना चाहोगे? हाँ जी, मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के अपील करूँगी कि हमारे पिती को, हमारे पापा जी को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि उनके आने से ही जो देश पीछे रह चुका है, उनको जितने साल हो गए पिती को, 3 साल 4 साल हो गए, तो हमारा देश बहुत पिछड़ा वर्ग हो चुका है। तो अब पिती आए तो देश को आगे ले जा सकते हैं, जहाँ हम हैं कोरोना के चक्कर में लगा लो या किसी भी फील्ड में लगा लो, हमारे तूफान आते थे, भूचाल भूकंप वगैरह आते थे, तो पिती जाते थे वहाँ सेवा देने के लिए, अपने इंडियन वेलफेयर फोर्स के साथ पिती वहाँ जाते थे, हर एक संभव कोशिश करते थे, तो वो दिखाते थे खुद मीडिया वाले कि देखो गुरु जी वहाँ पहुँचे हैं। और अब इन्होंने ये दिखा लिया कि हमारे पापा जी गलत हैं, पिती गलत है, हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, हम ये मान ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं मान सकते। हम सिर की शर्त लगाते हैं, कोई कह दे पिती गलत है, जो भी संगत में देरे में एक बार भी आ चुका है ना, वो दिल से एक बार कह नहीं सकता, चाहे जुबान से कह दे, दूर से उसको यही लगेगा नहीं यार वो तो चीज़ सही थी, वहाँ जगह सही है, लोग आते जाते हैं, बिल्कुल भाई यहाँ का माहौल ही नहीं है ऐसा, भाई भाइयों को अलग बिठाते हैं, बहनों को अलग बिठाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप यही देख लो ना, हमारे बहनों वाली साइड कोई भाई होएगा, ना भाइयों वाली साइड बहन जाती है, और ये एक सुरक्षा का माहौल ही है। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा आज भी ऐसा ही स्थान है कि जहाँ लोग गरीब की मदद की जाती है, किसी गरीब लड़की की शादी हो तो उसका उसको उसका शादी करवाई जाती है, उसे एक बेहतरीन सामान देकर, एक अच्छा, जैसे कि आम लोग एक अपनी बेटी को सामान देते हैं, उसकी अच्छी तरह से शादी करते हैं, उसी तरीके से, और किसी गरीब का मकान बना के देना, वो डेरा सच्चा सौदा आज भी जो तो कर रहा है, और गुरुजी के चलाए हुए रास्तों पे आज भी उनके श्रद्धालु पहले जैसे